अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वापडा डिजिटल मीटर का टेस्टिंग करके बताऊंगा कि क्या वापडा का डिजिटल मीटर जो है वो नॉर्मल तरीके से यूनिट काउंट करता है या उसका स्पीड दूसरे मीटरों से ज़्यादा है। तो ये तो वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ के ऊपर न बिल्कुल लाइक्स आते हैं न व्यूज़ आते हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना कर लेके आते हैं और उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वही मीटर है जिससे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी डिटेल्स के बारे में। तो इसका जो है हम अभी रीडिंग देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट जो है खर्च हो चुके हैं। जैसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर है और दूसरे नंबर पे इसके यूनिट्स आते हैं। तो इसकी यूनिट्स जो है हम चेक करेंगे और फिर हम जो है अंदर डिवाइस लगा के उसमें चेक करेंगे। तो इसमें इस वक्त 3367.01 जो है यूनिट खर्च हो चुके हैं और इसके ऊपर एक पॉइंट ऊपर हो चुका है। लेकिन इस एक पॉइंट को जो है हम जब दोबारा रीडिंग लेंगे तो हम एक पॉइंट ऊपर करके रीडिंग ले लेंगे ताकि हमारा हिसाब किताब बराबर रहे। इसको मैं अपने डिवाइस के जरिए चेक कर लेता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या सही यूनिट काउंट करते हैं या गलत यूनिट काउंट करते हैं मुझे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अपने डिवाइस का फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं अंदर आ गया हूं और यहाँ पे मैंने अर्जी दोनों मीटरों के जो है मैंने अलग अलग ब्रेकर लगाई हुए हैं। ये वाला ब्रेकर जो है हमारा डिजिटल मीटर का है, इसको मैं बंद करूंगा और ये जो है मैंने तारे भी ओपन लगाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या मैं आप लोगों के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने ये ओपन तारे लगाई हुई है, इसको मैंने डीपी में डायरेक्ट लगाई हुई है और इस पे मैंने लोड भी बहुत कम किया हुआ है ताकि जो हमारा रीडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो इसको मैं अभी यहाँ से ब्रेकर से खोल लेता हूँ ये डिजिटल मीटर वाले तारे और इसमें मैं इसी तरह एक सादा साकट लगाऊंगा और इस साकट में जो है फिर मैंने अपना डिवाइस लगाना है। तो दोस्तों इसमें मैंने साकट लगा लिया और अब जो है मैंने इसमें डिवाइस लगा देना है और टेस्टिंग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने अपना डिवाइस लगा लिया और इस डिवाइस को जो है मैं वायर के जरिए बांध देता हूं क्योंकि ये कड़ा नहीं होता तो हमको रीडिंग का पता सही नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको बांध देता हूं सरिया तार से। तो अब जो है ये मैंने जो लोड के तारे थे उसको मैंने सिंगल टू पिन का शू लगा लिया टेस्टिंग के लिए और इसके ऊपर लोड भी मैंने कम किया हुआ है क्योंकि दो टू पिन का शू है तो इसका ये इतना लोड नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए मैंने पीछे से जो है खाली इसके ऊपर एक पंखा और कंप्यूटर है और दो तीन चार लाइटें हैं तो इसीलिए मैंने इसको टू पिन का शू लगा लिया टेस्टिंग के लिए। तो चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन होने के बाद जो है हमारा टाइम भी स्टार्ट हो गया, ऊपर सेकंड स्टार्ट हो गए और 210 वाट जो है हाई वाट स्टार्ट हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं आगे, ये किलोवाट 00 है यूनिट और अब ये जो 233 वोल्ट आ रहे हैं बाहर से मीटर से तो ये एम्पियर है 0.3 क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है इसलिए कम एम्पियर है और ये लो वाट 11.7 है और हाई वाट जो है 210 वाट तक चला गया था शुरू में और यूनिट कॉस्ट 0 है और इस टाइम 78 वाट लोड है इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है कितने। तो अब जो है यूनिट इसने 0.003 जो है खर्च कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें जो है इशारिया के इस साइड पे 3 नंबर है और हमारे वापडा के डिजिटल मीटर के इशारिया के इस साइड पे 2 मीटर है तो हमने इसमें ये 2 नंबर जो है शामिल करने हैं और तीसरा नंबर जो है हम इसमें शामिल नहीं करना। पहले वाला जो नंबर है इसको हमने इसमें शामिल नहीं करना, हमने दूसरे नंबर से स्टार्ट लेना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितने यूनिट खर्च कर रहा है और ये सिंपल सा वेयरिंग है, मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, गलत कमेंट करके चले जाते हैं, कहते हैं कि यार आपने ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार वेयरिंग दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए।
अभी तो हाल ही 1 घंटे का रीडिंग हमने ले लिया है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है और 23 पॉइंट में इसने जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। तो अब देखते हैं मजीद 1 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखेंगे और इसके बाद अगले दिन भी इसका रिजल्ट देखेंगे। अभी 4-5 यूनिट जब गिरेंगे ना उसमें हम फिर देखेंगे कि इसने कितने पॉइंट जो है ज़्यादा खर्च किए हुए हैं। और अब फिर इसके बाद जो है अगले दिन भी हम चेक करेंगे कि अगले दिन जो है 10-15 यूनिट खर्च हो जाएंगे तो इसमें फिर हम चेक कर लेंगे कि इसमें कितना डिफरेंट आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा कि वीडियो में आगे वीडियो देखते रहिए। और इसमें जो है और ये जो डिजिटल मीटर है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो स्टैंडर्ड डिवाइस से ज़्यादा यूनिट काउंट करते हैं या ज़्यादा पॉइंट काउंट करते हैं तो इसका वजह क्या है। तो इसके ऊपर मैं फुल रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि बिल के पिछले साइड पे लिखा होता है कि 5:00 से 11:00 तक बिजली महंगी बिजली होती है, तो इसके ऊपर मैंने जो एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वाकई ये 5:00 से 11:00 तक जो है यूनिट कहीं जल्दी काउंट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो ये भी सरासर ज्यादती है क्योंकि इस मीटर में कोई ना कोई सेंसर तो लगा होगा जिसकी वजह से मीटर को पता चल रहा होगा कि 5:00 बज गए और अभी यूनिट जो है जल्दी जल्दी काउंट करना शुरू कर दे। तो बाकी वीडियो में आके देखते हैं, आप लोग भी देखते रहिए, हम भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या नतीजा निकलता है। तो 20 घंटे हो चुके हैं आप लोगों के सामने है, 5 यूनिट और 86 पॉइंट जो है खर्च हो चुके हैं हमारे डिवाइस में और देखते हैं कि अब जो है हमारे मीटर में कितने यूनिट और कितने जो है पॉइंट खर्च हो चुके हैं। तो आते हैं अपने मीटर के पास। तो दोस्तों ये हमारा जो मीटर है इसका सीरियल नंबर है और इसके बाद जो है यूनिट आएंगे तो यूनिट जो है हमारे आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 3367.01 से हमने रीडिंग स्टार्ट किया था और 3373.01 पे हमने रीडिंग एंड कर दिया। ये खाली जो है 20 घंटे और 35 मिनट का रीडिंग है और इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, खाली 2 पंखों का और 1 कंप्यूटर का लोड है, इसीलिए इसने जो है कम खर्चा किया हुआ है। तो आप लोगों को वाजह नज़र आ रहा है कि हमारे वापडा डिजिटल मीटर ने जो है पूरे 6 यूनिट खर्च कर लिए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो डिवाइस है उसमें 5 यूनिट और 86 पॉइंट जो है वो खर्च हो चुके हैं। तो इसमें जो है इस वापडा डिजिटल मीटर ने इस डिवाइस से 14 पॉइंट ज़्यादा खर्च किए हुए हैं, यानी 14 पॉइंट ये खाली 6 यूनिट में जो है इतना तेज़ जा चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।